राहुल, तुम खेत पे रोटी लेके बहुत देर से आते हो। कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भूख के मारे बुरा हाल था। अब दोपहर होने को जा रही है, सुबह की रोटी तुम दोपहर को लेके आए हो। अब क्या दोपहर की रोटी शाम को लाओगे? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मोदी जी, क्या करूँ, रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई। आपके साथ पार्टनरशिप में ये खेती करके तो मैं फंस गया। राहुल, बेबालतू की उल्टी बात करती हो। फंस तुम गई या मैं फंस गया? अरे खेत पे मैं और लालू जी दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तुम घर से खाना बना के लाते हो, इतना काम भी नहीं करोगे क्या तुम? देखो, मैंने, तुमने और लालू जी ने मिलके पार्टनरशिप में खेती बाड़ी करना शुरू की है। लालू जी और मैं तो यहाँ पे आराम से खेत पे मेहनत करते हैं, तुम घर से रोटी लाते हो। वैसे आज क्या लाए हो रोटी में? मोदी जी, आपके सामने ये देखो, ताजा ताजा मक्खन रखा है। ये मक्खन रोटी पे लगाओ और खाओ। राहुल, मक्खन तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन ये अच्छा किया तुमने, केतली में चाय लेके चले आए। खाने के बाद चाय पीने का बहुत मन करता है। मोदी जी, इस केतली में चाय नहीं है, समझे? चाय नहीं है राहुल, तो फिर क्या है इस केतली में? बताओ क्या चीज लाए हो इस केतली में? लालू जी, आपकी पसंदीदा चीज लाया हूँ, मेहनत करने के बाद खेत पे जो आप पीते हो। बताओ क्या है इसमें, आप ही बताओ। अरे समझ गया राहुल, समझ गया, छाछ लाए हो इसमें। मेहनत करके खेत में छाछ ही पीने का मन करता है। हाँ लालू जी, आपके लिए इस केतली में ठंडी ठंडी छाछ लेके आया हूँ। जल्दी से आ जाओ मोदी जी, नहीं तो सारी की सारी रोटी खा जाएंगे। आ जाओ जल्दी। केजरीवाल जी, तुम यहाँ पे कैसे बैठे हो? अपने खेत में काम नहीं कर रहे हो तुम? राहुल, क्या बताओ, मेरे घर से अभी तक रोटी नहीं आई है। भूख के मारे बुरा हाल है, अभी घर से कोई रोटी लेके आया ही नहीं है। खेत पे रोटी का इंतजार कर रहा हूँ, खेत पे सुबह से मेहनत करे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक खाना नहीं खाया है मैंने। अरे केजरीवाल जी, चिंता क्यों करती हो? लो हमारे साथ एक दो रोटी खा लो। नहीं मोदी जी, जब मैं एक दो रोटी खा लूंगा तो आपको और लालू जी को रोटी कम पड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे कम पड़ जाएगी, जब तुम्हारी घर से रोटी आएगी, तीनों लोग मिलके खा लेंगे। लो छाछ पियो। राहुल, केतली में ठंडी ठंडी छाछ लाया, पी लो। और मानो को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लालू जी, आप तो हमें अच्छी तरीके से जानते ही हो, पहले भी कई बार मिल चुके हैं। पड़ोस के गांव में रहते हैं हम। हमें अपने गांव में सुनने को मिला कि लालू जी पड़ोस वाले गांव में भैंस बेच रहे हैं। भैंस की हमें जरूरत थी, तुरंत आपके पास खरीदने के लिए चले आए। अभी तक तो लोगों के मुंह से सुना कि आप भैंस बेच रहे हो। आप अब बताओ, भैंस बेचोगे अपनी? बिल्कुल मोदी जी, आपने बिल्कुल सही सुना, हम भैंस बेचने के लिए तैयार है, अगर अच्छे दाम में बिक जाए तो। देखो लालू जी, आप अपना रेट बताओ, कितने रुपए की इस भैंस को बेचोगे? अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम खरीद लेंगे। मोदी जी, पहले तो मैं इस भैंस को 50,000 रुपए की खरीद के लाया था। आप 50,000 रुपए दे देना, और ज्यादा रुपए थोड़ी लूंगा मैं आपसे। जितने की लाया था उतने रुपए की बेच दे रहा हूँ आपको। पहले खरीद के लाई थी, पहले कितने पहले खरीद के लाई थी आप लालू जी इस भैंस को? मोदी जी, ये लालू जी 1 साल पहले इस भैंस को खरीद के लाए थे। लालू जी कैसी बात कर रहे हैं, ये भाई साहब बता रहे हैं इस भैंस को आप 1 साल पहले खरीद के लाए थे। 1 साल में और हम में फर्क है। टाइम के साथ साथ भैंस का दाम कम होता जाता है। और ये बताइए, इस टाइम ये भैंस कितना दूध दे रही है? देखो मोदी जी, दूध की तो कोई गारंटी है नहीं। कभी 2 लीटर दूध दे देती है, कभी 4 लीटर, कभी 10 लीटर। इस भैंस के मूड की बात है, जब इसका मूड होता है उतना दूध देती है। और रही दाम की बात, थोड़ा बहुत कम पैसे दे दो 50,000 रुपए से। अगर 1 साल हो गया भैंस को लाए हुए मुझे, तो लालू जी आप ही बता दो कितने रुपए कम देते मोदी जी आपको? भाई साहब, आपसे बात नहीं हो रही है, बात मोदी जी से हो रही है। अरे लालू जी, नाराज क्यों होते हो? योगी जी को, अखिलेश को, शिवराज सिंह जी को मैं अपने साथ ही लाया हूँ भैंस खरीदने के लिए। और एक बात बताओ, इस भैंस का दूध पतला तो नहीं होता है? पतले दूध के बारे में मोदी जी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन इस भैंस को ज्यादा पानी पिला देता हूँ उस दिन ये पतला दूध देती है। अखिलेश कैसे चुप बैठी हो? कितने रुपए में इस भैंस को खरीद लूँ तुम्हें बताओ? योगी जी, शिवराज सिंह जी, कुछ तो बोलो, कितने रुपए में खरीदूं? तुम्हें यहाँ बैठाने के लिए थोड़ी लाया हूँ। अब तुमने लालू जी की बात सुन ली, कितने रुपए में ये भैंस ठीक रहेगी? मोदी जी, मेरे हिसाब से तो इस भैंस को 30,000 रुपए में खरीद लो। अखिलेश, 30,000 तो मैं भी कहने वाला था। लालू जी, 30,000 रुपए में भैंस देना है दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। लालू जी, अच्छे दाम में भैंस जा रही है, 30,000 में दे दो। चलो केजरीवाल जी, अगर तुम कहते हो तो 30,000 में मोदी जी को इस भैंस को बेच देता हूँ। वैसे भी केजरीवाल जी, मैं इस भैंस से परेशान हो गया था। ठीक है मोदी जी, 30,000 में ये भैंस आपकी हुई। और भाई लोगों को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, आज मजदूरी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं अखिलेश की साइकिल ये कहकर मांग कर ले आया था कि मैं शहर जा रहा हूँ, एक दिन के लिए साइकिल दे दो। अब मैं साइकिल पे देखो कितनी कितनी ईंटें ढोकर ला रहा हूँ, और अपना लोग जितनी ज्यादा ईंटें ढोएंगे उतनी ज्यादा मजदूरी होगी। मोदी जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप साइकिल पर कम से कम 100-100 ईंटें लाद कर ले जा रहे हो, और मैं अपने सर पर 20 ईंटें ले जा पा रहा हूँ। आज मेरी मजदूरी कम होगी।
को और जो जितनी ईंटें ढोलेगा उसको उतनी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप अखिलेश से साइकिल ये कहकर मांग कर लाए हो कि मैं एक दिन के लिए शहर ले जा रहा हूँ साइकिल किसी काम के लिए, और अगर अखिलेश ने आकर देख लिया कि तुम उसकी साइकिल पर 100-100 ईंटें ढो रहे हो तो वो तो नाराज हो जाएगा। राहुल तुम भी अजीब बात करते हो, उसे पता कैसे चलेगा, अपना लोग तो गांव से बाहर मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन राहुल ये क्या हुआ, क्या हुआ मोदी जी बताओ तो क्या हो गया? अरे सामने देखो अखिलेश आ रहा है, मैं इतनी जल्दी साइकिल को कहीं छुपा भी नहीं सकता, अरे ये तो करीब आ गया, अब क्या होगा, क्या जवाब दूंगा मैं इसे? अरे मोदी जी ये क्या है, ये क्या कर रहे हो आप, मेरी साइकिल पर इतनी ज्यादा ईंटें लाद कर कहां ले जा रहे हो? अरे ये साइकिल तो पंचर कर दी आपने, पीछे वाला टायर देखो उसमें तो हवा भी नहीं है। अरे मैंने आपको भरोसे पर साइकिल दी थी, आपने ये कहा था एक दिन के लिए साइकिल मुझे दे दो, मैं शहर जा रहा हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर गाँव से बाहर आप तो साइकिल से मजदूरी कर रहे हो, पूरी की पूरी मेरी साइकिल खराब कर दी। अरे अखिलेश अखिलेश क्या बताऊँ, मैं तुम्हें शहर ही जा रहा था, ये राहुल ने कहा चलो आज मजदूरी कर लेते हैं कल को शहर चलेंगे, और इसके साथ मैं ईंटें ढोने का काम करने लगा। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात बताओ, आप ईंटें ढोने का काम करने लगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहुल तो अपने सर पर ईंटें ढो रहा है, आप मेरी साइकिल पर इतनी ज्यादा ईंटें कैसे ढो रहे हो, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरी साइकिल पीछे पंचर हो गई, देखो टायर पंचर है पीछे वाला। अरे अखिलेश अगर तुम्हारी साइकिल का टायर पंचर हो गया तो मैं तुम्हारे साइकिल के टायर का पंचर सही करके दूंगा, ऐसी थोड़ी ना दे दूंगा। चलो अब ऐसा काम करता हूँ, जितनी ज्यादा मेरी मजदूरी हुई है उसमें से थोड़े पैसे तुम्हें भी दे दूंगा, अब तो दी गए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। मोदी जी आपने क्या हमें फिर ही समझ रखा है, आप राहुल को सामान दे रहे हैं, मैं इतनी देर से आया हुआ हूँ, राहुल से पहले का आया हुआ हूँ, लेकिन आप मुझे सामान नहीं दे रहे हैं। माना कि इस बाजार में आपकी अकेली दुकान है, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक ही की तरफ ध्यान दें, अरे सबको चलाओ सबको सामान दो। अच्छा अखिलेश एक बात बताओ, इस गांव में हफ्ते में एक दिन बाजार लगती है और इस बाजार में मैं अकेला ही दुकान लगाता हूँ, अब इतने लोग सामान लेने के लिए आते हैं, मैं एकदम सबको सामान कैसे दे दूंगा? अगर मैं तुम्हें सामान देता होता और बीच में राहुल सामान मांग लेता तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगता, इसीलिए राहुल का पूरा सामान हो जाने दो, उसके बाद में तुम्हें सामान दूंगा। उधर योगी जी देखो कितने आराम से बैठे हुए। अरे धनिया 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 धनिया, अरे राहुल धनिया धनिया क्या कर रहे हो, मेरा नाम कोई धनिया थोड़ी है। अरे मोदी जी मैं ये कह रहा हूँ हल्दी भी हो गई, नमक भी हो गया, 250 ग्राम मिर्च भी दे दी तुमने, अरे आधा किलो धनिया कर दो, धनिया लो तुम्हारा आधा किलो धनिया हो गया, उसके बाद और क्या सामान है? राहुल जल्द से जल्द बताओ, एक तो तुम इतना लेट सामान बताते हो और टाइम लगा देते हो, देख रहे हो एक तो अखिलेश भाई जी नाराज हो रहा है, उसके बाद उसे भी सामान देना है, फिर योगी जी को भी देना है। अरे मोदी जी उल्टा बोल रहे हो, पहले मुझे देना है फिर अखिलेश को देना है सामान, समझे, मैं पहले का आया हुआ हूँ, और मोदी जी आपके रेट में फर्क रहता है, पिछली बाजार को मैं आपसे शक्कर ले गया तो चीनी आपने 50 रुपए किलो लगाई, जबकि लालू जी अपनी किराना की दुकान पर 45 रुपए किलो बेच रहे हैं। योगी जी देखो इस सारे सामान का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, पिछली बाजार चीनी शक्कर महंगी थी, इस बार मैं तुम्हें चीनी 40 रुपए किलो दे दूंगा, ले लो जितनी भी चीनी लेना चाहो दे दूंगा मैं तुम्हें। चलो मोदी जी 1 किलो चीनी दे दो। अरे योगी जी तुम तो बोले नहीं, आवाज कहाँ से आई है? अरे मोदी जी आपके पीछे देखो इंस्पेक्टर केजरीवाल जी आ गए, वो कह रहे हैं 1 किलो चीनी को। देखो केजरीवाल सर जी आप सामने से सौदा लिया करो, सामने लेने वालों की भीड़ लगी हुई है, इसका ये मतलब नहीं आप पीछे से आओगे तो मैं आपको जल्दी दे दूंगा, आप वर्दी पहने हुए इसका ये मतलब नहीं, नियम सबके लिए बराबर है। ये बात मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं इन सब लोगों को दे दो, मैं तो यूं ही पीछे बैठा रहूंगा, आज की ड्यूटी तो मेरी खत्म हो गई, अब मैं कल ही को जाऊंगा, फिर यूं आराम से इन सब लोगों को सामान दे दो, मुझे बात को दे देना, और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।